अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उल्टी चप्पल के बारे में। जैसा कि लोग बोलते हैं कि उल्टी चप्पल जहां भी देखो उसे सीधा कर दो, तो वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं और उल्टी चप्पल हमें सीधी करनी चाहिए या नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज अगर कोई कहता है कि उल्टी चप्पल सीधी कर दो, तो जहन में एक सवाल जरूर आता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उल्टी चप्पल या जूता शैतान का तख्त होता है और उस पर शैतान बैठता है, लिहाजा उसे सीधा कर देना चाहिए, इसलिए लोग उसे सीधा करने के लिए बोलते हैं। और एक बात ये कि अगर हमने चप्पल को सीधा नहीं किया तो हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस चप्पल को सीधा कर देंगे तो ये बेहतर होगा। और दोस्तों अगर हम उल्टी चप्पल देखकर बिना सीधा किए उधर से निकल जाएंगे और ये सोचेंगे कि हमने सीधा नहीं किया तो हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं हुआ, यकीनन ये बात सच है कि कोई गुनाह नहीं हुआ, लेकिन ये एकदम जाहिलों वाली बात होगी कि जिस चीज पर शैतान का तख्त है उसे ही हमने सीधा नहीं किया, लिहाजा हमें उल्टी चप्पल या जूते को सीधा कर देना चाहिए। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।